हाँ तो दोस्तों बिहार प्रारंभिक शिक्षा भर्ती में जो वैकेंसी लाया गया है दोस्तों, इससे रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी बात बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर बार बार पूछ रहे हैं। वो कमेंट है दोस्तों कि क्या सर मैं अदर स्टेट के हूँ तो क्या मैं बिहार वाला जो वैकेंसी आई है शिक्षक भर्ती का वो फॉर्म फिल कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, अप्लाई कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। दोस्तों आपके लिए सारा डाउट का क्लियर करने के लिए मैं एक स्पेशल वीडियो लेकर आ चुका हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको यही बातें बताने आया हूँ कि क्या अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये सारी बातों को आपको ऑफिशियल लेकर आया हूँ। तो टाइम मिलते हुए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से किसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आप लाइक करते हैं तो मैं मोटिवेट होता हूँ और इस तरह की वीडियो आप लोग के लिए लाता रहता हूँ। तो अगर दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों देख सकते ये रहा जहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, ये दोस्तों बहुत पहले जो 2006 का था उसका जो नियमावली लाया गया था जो कुछ और नियम थे, लेकिन दोस्तों फाइनली इस नियम को 2012 में 2014 में चेंज कर दिया गया। आप देख सकते हैं उससे रिलेटेड दोस्तों जो ऑफिसर है जो आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जागरण में जागरण के एक आर्टिकल में पब्लिश कर बताया गया था कि शिक्षा विभाग ने 2012 में नियमावली बनाई, 2014 में नियमावली में संशोधन कर अधिसूचना जारी की गई, प्राथमिक शिक्षक के लिए इतिहास और भूगोल की अनिवार्यता खत्म कर दी गई और नए नियमों के तहत ही नियुक्ति हुई, 2019 में नए नियमावली जारी की गई लेकिन अब इतिहास और भूगोल का अचानक अनिवार्य कर दिया गया है। तो देखते हैं यहाँ पर साफ तौर से बताया जा रहा है कि जो नियमावली थी वो 2012 में चेंज किया गया, फिर उसे 2014 में अपडेट किया गया और उसी नियम को अभी फाइनली फॉलो किया जा रहा है बिहार शिक्षा भर्ती में, जहाँ पर ऐसा न्यूज बताया जा रहा था। तो दोस्तों इससे पहले जो 2006 का जो नियमावली थी वो फाइनली खत्म हो चुकी है, उसमें अब संशोधन कर दिया गया है। तो 2006 का नियम था दोस्तों उसको आप भूल जाइए। तो दोस्तों देखते हैं ये रहा 2019 का जो 2012 का जो नियमावली आया था जिसे अपडेट कर 2014 में फॉलो किया गया और उसे फाइनली 2019 के नियम के अनुसार आप फॉर्म को फॉल कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ये रहा फाइनली आपको नियुक्ति हेतु के लिए क्या क्या अर्हता होना चाहिए, जहां आप देख सकते हैं साफ तौर से बताया जा रहा है कि प्रखंड शिक्षक के लिए भारत का नागरिक हो तथा बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए, और तो इसके भारत का नागरिक और बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि अदर स्टेट वाले लोग नहीं भर सकते हैं, सिर्फ बिहार वाले लोग भर सकते हैं। यहाँ पर बिहार के लिए मांगा गया है आपका डोमेसियल, लेकिन तो जो लोग बिहार के रहने उनको तो प्रीफ्रेंस मिलेगी, लेकिन दोस्तों जो अदर स्टेट के हैं वो सभी लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार ऑफिशियल नहीं लिखा गया है कि बिहार के अलावा जो अदर स्टेट वाले हैं वो लोग फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और तो बात रहा है कि डोमेसियल नीति मतलब करने का होता है दोस्तों कि जिस राज्य में जो वैकेंसी आया है शिक्षक में भर्ती के लिए वो सिर्फ उसी राज्य में फॉर्म वो सिर्फ उसी राज्य के लोग फॉर्म को फिल करेंगे। तो दोस्तों ये जो डोमेसियल नीति है वो बिहार में लागू अभी नहीं किया गया है, ये डोमेसियल नीति अभी यूपी में और अदर स्टेट में लागू किया गया है। यानी मतलब करने का है कि जो लोग जब यूपी का शिक्षक भर्ती आती है वहाँ पर यूपी वाले लोग सिर्फ फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन तो फाइनली जो बिहार में अभी तक डोमेसियल नीति लागू नहीं किया गया है। अगर जिस दिन डोमेसियल नीति लागू कर दी जाएगा उस दिन से सिर्फ और सिर्फ बिहार के लोग ही फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। साथ ही लिखा जा रहा है कि भारत की नागरिकता होना चाहिए और बिहार राज्य के निवासी होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा गया है कि बिहार राज्य के जो अदर वाले हैं वो नहीं भर सकते हैं। चलिए दोस्तों एक और बात बताता हूँ इधर आते दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पर साफ तरीके से उसी बात को जो मैं बता रहा था ऑफिशियल यहाँ पर मैं दिखा चुका हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं साफ तरीके से बताया जा रहा है कि जो 2012 में लाया गया था नियमावली वो बिल्कुल अलग है 2012-2006 का, उसे चेंज करके बता दिया गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षा नियोजन के लिए जो नियमावली थी 2012 का संशोधित कर आपको ला दिया गया है। चलिए दोस्तों अब आते हैं इधर, जहाँ देख सकते हैं दोस्तों ये रहा कि शिक्षक के जब फॉर्म फिल करते हैं उसमें क्या क्या अर्हता होना चाहिए, एक और सबूत मैं आपको दे रहा हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर बताया जा रहा है कि आवेदन पत्र किसी भी भारत के नागरिक के द्वारा आवेदन पत्र नियमानुसार संबंधित नियोजन इकाई के पास निर्धारित तिथि तथा हाथों हाथ अथवा निबंधित डाक स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा जाएगा, आवेदन प्रपत्र अलग से उपलब्ध कराया जाएगा। इस बात से यह साफ साबित होता है कि जो आपका प्रमाण पत्र जो आपका फॉर्म है वो फॉर्म को अदर स्टेट वाले भी और जो बिहार के रहने वाले वो सब फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों ये 5/7/2019 को इसी बात को अपडेट कर बताया गया। दोस्तों ये थी आज की वीडियो जहाँ पे आई थिंक सारी बातों में क्लियर कर चुका हूँ कि अदर स्टेट वाले भी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। दोस्तों आप में से जो लोग मुझे कॉमेंट कर रहे थे उन सभी का जो डाउट था वो क्लियर हो चुका होगा। दोस्तों इसी डाउट के बीच दोस्तों जिसे आपको डाउट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लाइक करते हैं मैं मोटिवेट होता हूँ, इस तरह वीडियो आपको लाता रहता हूँ। दोस्तों
मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ जहाँ पर फिर अदर गवर्नमेंट फॉर्म के बारे में बताने आऊँगा या इस तरह का अपडेट न्यूज देने आऊँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, और हाँ दोस्तों, बिहार में आने वाली गवर्नमेंट फॉर्म से अगर आप अपडेट रहना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल से बने रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। खासकर दोस्तों जो अभी बिहार शिक्षा की भर्ती हो रही है, इससे जो पल पल का न्यूज़ है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने चैनल के थ्रू अप टू डेट करता रह रहा हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।